नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या दीक्षित और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉर्बिज। आज हम बात करने वाले हैं लिकर लाइसेंस के बारे में। इस वीडियो में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि आखिर लिकर लाइसेंस क्या होता है, किन लोगों को लिकर लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, कितने प्रकार के लिकर लाइसेंस होते हैं और लिकर लाइसेंस के अंतर्गत क्या क्या वो टर्म्स और कंडीशंस आती हैं जो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी अगर आप लिकर लाइसेंस लेने जाते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लिकर लाइसेंस की वैलिडिटी क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और क्या क्या गाइडलाइन है जो स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से इशू की जाती है लिकर लाइसेंस को लेके, वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लिकर लाइसेंस एक लीगल परमिशन की तरह होती है जो स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से उन लोगों को दी जाती है जो बिजनेस में डील करते हैं अल्कोहल, अल्कोहलिक बेवरेजेस या फिर ड्रिंक किसी पर्टिकुलर प्लेस रीजन के अंदर। देखिए, लिकर लाइसेंस की बात करते हैं तो और सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं लिकर लाइसेंस के बारे में, तो समझिए कि अगर आप लिकर के बिजनेस में डील कर रहे हैं या फिर भविष्य में आप प्लान कर रहे हैं कोई लिकर शॉप खोलने की या फिर अपने रेस्टोरेंट बार होटल में लोगों को लिकर सर्व करने के लिए, तो उसके लिए आपको लिकर लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि बिना लिकर लाइसेंस लिए आप लिकर का सेवन लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। उसके लिए आपको कुछ लीगल क्राइटेरिया होती है वो फॉलो करना पड़ता है। देखिए, हर राज्य की अलग अलग रूल्स, रेगुलेशन और क्राइटेरिया है जिसको आपको फॉलो करना होगा। टाइप्स ऑफ लिकर लाइसेंस, दोस्तों कई प्रकार के लिकर लाइसेंस होते हैं। पहला लिकर लाइसेंस होता है बियर और वाइन लिकर लाइसेंस, दूसरा होता है रेस्टोरेंट लिकर लाइसेंस, तीसरा टेवरन लिकर लाइसेंस, चौथा ब्रू पब लिकर लाइसेंस। ये उन लोगों के लिए होता है जो खुद बियर और वाइन बनाते हैं। लिस्ट ऑफ बिजनेसेस हु कैन अप्लाई फॉर लिकर लाइसेंस, अब हम बात करेंगे वो कौन से बिजनेस हैं जिन्हें लिकर लाइसेंस की जरूरत है, यानी बिना लिकर लाइसेंस के वो अल्कोहल सर्व लोगों को नहीं कर सकते हैं। देखिए, पहला तो रेस्टोरेंट बार होटल पब क्लब या फिर और जो अदर एंटिटीज होती हैं, एस्टैब्लिशमेंट होते हैं, वो लिकर लाइसेंस को लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को सर्व करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए लिकर लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी माना गया है। एम्बिट ऑफ लिकर लाइसेंस, दोस्तों हम बात करेंगे कि लिकर लाइसेंस अगर आप लेने जा रहे हैं तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन से वो रूल्स रेगुलेशन, कौन से वो टर्म्स और कंडीशन है जो आपको फॉलो करने होंगे। जितने भी बिजनेसेस एंगेज होते हैं अल्कोहल, अल्कोहलिक बेवरेजेस और ड्रिंक बेचने में, उन्हें लिकर लाइसेंस लेना पड़ता है। आपको ये बताना पड़ता है कि कब और कहां आप अल्कोहल बेचने जा रहे हैं, कितनी मात्रा में अल्कोहल बेची जा रही है, कौन सा कंटेनर यूज किया जा रहा है अल्कोहल सेल करने में, किस तरह का अल्कोहल सर्व किया जा रहा है यानी लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, जो आप अल्कोहल सर्व कर रहे हैं उसकी क्या कीमत है, इस अल्कोहल को और किन लोगों को बेचा जा सकता है, और इसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन देनी है मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्कोहल से रिलेटेड। तो दोस्तों हम बात करेंगे कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे अगर आप लिकर लाइसेंस लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको आईडी प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, प्रिमाइस यानी कि जहां पे आपका बिजनेस चल रहा है उसका एड्रेस प्रूफ चाहिए, फायर डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी चाहिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से एनओसी चाहिए, अगर हमारा एप्लीकेंट कोई कंपनी है तो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, अगर हमारा एप्लीकेंट कंपनी है तो उसके इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जरूरत पड़ती है, इसके अलावा लेटेस्ट इनकम टैक्स की कॉपी, फोटोग्राफ ऑथराइज पर्सन के और एक एफिडेविट जिसमें ये लिखा होता है कि एप्लीकेंट किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड का नहीं है, उसके अलावा एक और एफिडेविट जिसमें ऑथराइज पर्सन के बारे में ये लिखा होता है कि जब पेमेंट की बारी आती है तो उसके पेमेंट कोई ड्यूज नहीं रहते, यानी कि वो जो हमारा शख्स है वो एकदम सही है, किसी भी तरीके के फर्जीवाड़े में इन्वॉल्व वो नहीं रहता है। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के बाद अब बारी है रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की, यानी क्या वो पूरी प्रक्रिया है जिसके तहत आपको गुजरना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले जो हमारा एप्लीकेंट है उसे स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट को विजिट करना होगा,
उसके बाद जो हमारा एप्लीकेंट है उसको एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना होगा, क्रूशियल डिटेल फिल करनी होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे और उन डॉक्यूमेंट्स के साथ NOC फायर डिपार्टमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी होनी चाहिए और इसके अलावा कोड कंप्लायंस सर्टिफिकेट वो भी बहुत ज़रूरी होता है और इसके अलावा आप अपना जो पर्सनल बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन भी आप देते हैं जिसमें एज, बिजनेस, टाइप ऑफ बिजनेस इन्वॉल्व होता है, आपका पर्सनल रिकॉर्ड भी उसमें शामिल होता है और जब आप सारी चीज़ें जमा कर देते हैं यानी सारी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं तो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर होता है वो इंस्पेक्ट करता है, वेरीफाई करता है आपके सारे इंफॉर्मेशन को कि वो ऑथेंटिक है या फिर नहीं। अगर सारी चीजें सही निकलती है तो आपको लाइसेंस मिल जाता है। वैलिडिटी ऑफ द लिकर लाइसेंस, देखिए अगर लिकर लाइसेंस की वैलिडिटी की बात करें तो लिकर लाइसेंस वैलिड होता है मात्र एक साल के लिए और एक साल के बाद आपको उसको रिन्यू कराना होता है और रिन्यूअल पीरियड भी मैं आपको बता देती हूँ, यानी कि अगर आपका जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो गया या फिर एक्सपायर होने वाला है तो एक्सपायरेशन से 30 दिन पहले आपको रिन्यू कराना होगा। रिवोकिंग ऑफ लिकर लाइसेंस, देखिए अगर हमें एक बार लिकर लाइसेंस मिल गया तो हम पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो सकते हैं क्योंकि स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के पास वो अथॉरिटी होती, वो पावर होती कि वो हमारा जो लिकर लाइसेंस है वो सस्पेंड भी कर सकते हैं कुछ केसेस में, अगर हम ड्राई डेज पे लिकर सर्व करते हैं, हम रूल्स रेगुलेशन वॉयलेट करते हैं यानी कि जो स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट ने गाइडलाइंस जारी की है उसको हम फॉलो नहीं करते तो उस केस में भी हमारा लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। इसके अलावा जो माइनर हैं उनको अगर हम लिकर बेच रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उस केस में भी हमारा लाइसेंस सस्पेंड होने की गुंजाइशें रहती हैं। गाइडलाइंस इशूड बाय स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, दोस्तों जो भी कंसर्न स्टेट होता है यानी कि जिस राज्य के अंदर हम बिजनेस कर रहे हैं उस राज्य की स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट ही हमें ये लाइसेंस इशू करती है, यानी कि स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट वो अथॉरिटी है जो हमें लिकर लाइसेंस देती है तो उसकी जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी माना गया है। गाइडलाइंस की बात करें तो सबसे पहली गाइडलाइन है कि अप्रूव अल्कोहल शॉप से ही हमें लिकर परचेज करनी चाहिए, अगर हम इनकम टैक्स पेयर नहीं हैं तो हमें लिकर नहीं मिल सकती, यानी कि अगर हमें लिकर चाहिए तो हमें इनकम टैक्स देना पड़ेगा। किसी भी मिलिट्री कैंटीन से अगर लिकर परचेज की जा रही है तो वो सिर्फ मिलिट्री पर्सनल के लिए होगी यानी कि बाकी लोग उसका उपयोग नहीं कर सकते। अगर कोई भी ट्रैवलर किसी भी ट्रैवलिंग स्टेट में जाता है तो उसे ये पता होना चाहिए कि उस राज्य में लिकर पोजेशन लिमिट क्या है, अगर आपकी एज 21 साल के ऊपर है तभी उस केस में आप लिकर खरीद सकते हैं और वो भी हर राज्य की अलग अलग डिपेंड करती है, आप लिकर को या अल्कोहल को अनलॉफुली नहीं बेच सकते हैं। इसके अलावा किसी भी अनअप्रूव प्रेमिसेस यानी कि किसी भी अनअप्रूव जगह में आप लिकर अल्कोहल नहीं बेच सकते और जो भी लाइसेंस होल्डर है उसे ये भी बताना होता है कि अल्कोहल शॉप में जिस भी ब्रांड की लिकर सर्व्ड की जा रही है उसकी कीमत क्या है। देखिए अगर मार्केट की बात करें तो लिकर की डिमांड इस वक्त सबसे ज्यादा है जिसको देखते हुए लोग लिकर के बिजनेस में डील करते हैं और आगे भविष्य में अगर आप प्लान कर रहे हैं लिकर लाइसेंस लेने के लिए तो आप कॉर्बिस के साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि कॉर्बिस आपका काम और भी आसान बनाता है पूरे लीगल प्रोसीडिंग के साथ, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के साथ। जल्द मुलाकात करेंगे दोस्तों एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। नमस्कार।